पांच राज्य में चुनाव हुआ, क्या कर लिए? न्याय खातरा पहले भी किए थे राहुल गांधी, कुछ कर पाए? वाकई में इससे पहले बहुत सस्ता था, खरीदने का औकात किस में थी? आज महंगाई है, फिर भी इतनी आसानी के साथ हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय क्यों कर लेते हैं? कहीं ना कहीं हमारा हैसियत बढ़ गया है। किसान क्यों बैठा दिए, कह रहे हमारी सरकार तो हम एक करेंगे वो करेंगे। राजस्थान में 5 साल आप चलाए, वहाँ के क्या माफ किए थे? कुछ माफ किए थे क्या? एकदम कहवा रहे हैं उल्टा पलटी। आप तो पूछ रहे, अरे वही मैं कह रहा हूं, क्या होता है? वापसी होगी, देख हिंदू राष्ट्र लागू होगा, स्वेच्छा से, जबरन से। हमने कब कहा जबरन से? जी जी जी, सबसे स्वेच्छा से, हिंदू राष्ट्र की सुख सुविधा को देख करके लोग को अब लगेगा कि अचानक कहीं ना कहीं हम भी वो थे। कागज मिलना शुरू हो जाएगा, देख लीजिए हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? क्या प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम भाइयों से कि मैं एक हाथ में कुरान और एक में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, तो कोई अलग बात तो नहीं कही थी उन्होंने? तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है। अब रही जनता की बात, आज पहले नेताओं से जो है जनता डरती थी, आज जो है प्रधानमंत्री से नेता डर रहे हैं और जनता नहीं डर रही है। आज की तारीख में जनता खुश है, जनता खुश है, समझे ना? आज प्रधानमंत्री से नेता डर रहे हैं। क्या हाल हो रहा है? आप हिमाचल में चले जाओ, कर्नाटक में भी थोड़े दिन में सीन आने वाला है, और भी चले जाओ, और शिमला में तो हो ही गया, धीरे धीरे वो भी शाम तक कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। तो आज पर जनता प्रधानमंत्री से नहीं डर रही, खुश है, समझे ना? आज नेता डर रहे हैं प्रधानमंत्री से, इसी वजह से तो न्याय यात्रा नहीं निकल रही है। वही से तो निकाल रहे हैं, उससे लेकिन फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। 5 राज्य में चुनाव हुआ, क्या कर लिए? न्याय यात्रा पहले भी किए थे राहुल गांधी, कुछ कर पाए? उनको जानते हैं लोग, हाँ, कि अब उनकी कहानी खत्म है। उनको उनकी माने जो कम के लोग हैं, लोग उनकी मानते नहीं है, क्योंकि उनको ढंग से बात करते ना, माने ढंग से लोग को आवाज़ उठाते। अब किसान के वहाँ बैठा दिए, कह रहे हमारी सरकार तो हम एक करेंगे वो करेंगे। राजस्थान में 5 साल आप चलाए, वहाँ के क्या माफ किए थे? कुछ माफ किए थे क्या? राजस्थान में क्यों नहीं माफ किए? करना चाहिए, 5 साल चलाए थे, कैसा है ऐसे तुम्हारे हाथ से किसी गया? लेकिन उन पर विश्वास लोग नहीं करते हैं, असल बात है विश्वास लोग नहीं करते। चलिए ठीक है, मैं थैंक यू बात से, बिल्कुल बड़ा शांत एकदम आपने जवाब दिया, बिल्कुल सुन रहे हैं भाई साहब, सुन रहे हैं। क्या लगा इतना सुन के? सुन के ये लगा कि हमारे देश का राजा अच्छा है, इस टाइम है, बहुत अच्छा है, आगे यही रहना चाहिए या बदलाव होना चाहिए? देखो चाणक्य की नीति कहती थी, जब सारे चोर इकट्ठे हो गए एक राजा के पीछे पड़ जाए ना कि राजा गलत है, तो समझ लो तुम्हारा देश प्रगति की तरफ है। मतलब कि प्रगति की तरफ पूरी तरीके से है, क्यों नहीं है और रहेगा? 5वां स्थान है GDP का, कांग्रेस के राज में 10वां था, और कितनी प्रगति लोगे? पर कह रहे हैं महंगाई और रोजगार तो वैसे का वैसा धरा है ना, वही मुद्दा तो बना। उपभोक्ता की आय ही उपभोक्ता की खर्च को डिपेंड, मतलब कहते हैं ना उपभोक्ता की आय खर्च को डिपेंड करती है। यानी मैं 4,000 रुपये कमाता था 2008 में, तो 4,000 के हिसाब से खर्चे करता था, आज मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, 50,000 के हिसाब से खर्च करूँगा। आज से 10-20 साल पहले कोई आईफोन जानता था, आज जन जन पर आईफोन है, तो कहाँ महंगाई? महंगाई कहाँ है? सस्ता वाकई में इससे पहले बहुत सस्ता था, खरीदने का औकात किस में थी? आज महंगाई है, फिर भी इतनी आसानी के साथ हम किसी वस्तु का क्रय विक्रय क्यों कर लेते हैं? कहीं ना कहीं हमारा हैसियत बढ़ गया है। अरे भाई लोग चाहते हैं कि आज भी हिंदुस्तान 54-58 में जिए, अरे भाई हम 10-20 टकिया वाला हो गए हैं, हमारा औकात बढ़ गया है। और सोच लीजिए मोदी जी देश नहीं चला रहे हैं, वर्ल्ड लीडर है, पूरा वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं। बात कहीं विपक्ष को भा नहीं रही, इसीलिए तो कहीं कुछ विपक्षी मोदी तो खुल खुल कर बोले ना कि मोदी की गारंटी है, जिस जिन जिन लोगों ने घोटाले किए हैं, घपलेबाजी किए हैं, सबको जेल जाना है। तो भाई ये लोग अपनी अपनी गर्दन को बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, सबको जेल जाना है, जो हाँ जो भी घपला किया है सबको जेल जाना है। इसलिए केजरीवाल का क्या लग रहा है, क्या होगा? अब सबको तो बारी बारी से भेज ही दिए ना, 7वें समन पे भी नहीं पहुंचे हैं, प्लानिंग है। देखिए इनको जरूर जाना है, बहुत सारा घोटाला हुआ है, ईमानदार है कहते हैं, स्वघोषित है, हाँ बिल्कुल, लेबल सर्टिफिकेट कहीं से मिला है क्या ईमानदारी का? एक मुख्यमंत्री का साइन क्यों नहीं मिल रहा? एक मुख्यमंत्री दिल्ली का जो है वो बड़े पद पर है, उसका साइन क्यों नहीं मिल रहा है भाई? सच्चे ईमानदार था तो वो साइन क्यों नहीं मिल रहा है भैया? इसका मतलब ये तू चोर है भैया कि तू साइन नहीं किया कि मोदी पकड़ लेगा, इस यही मतलब न बनता है? बबलू भी ऑफर आ रहा था, विधायकों को हमारे खरीद रहे थे, ऑफर आ रहा था, साइन कहीं नहीं उनका मिल रहा है, ऑफर आ रहा था, बेवकूफ बना रहे हैं हमारे घर में, हम घर के मुखिया है, हमारा कहीं साइन नहीं मिल रहा है, क्या बात है भाई?
इसका मतलब जो डबल घोटाला हुआ जो हम पकड़े जाएंगे तो मानी सऊदीया के कर दिया के करो तुम करो साइन मारो तुम। वो ये भी बात तो कह रहे हैं ना कि हमको काम भी नहीं करने दिया जा रहा है और जो थोड़ा बहुत हमने अच्छा कर लिया तो अब मेरे पीछे ईडी लगा दी। एक मिनट, इनको काम नहीं करने दिया ये कहते हैं, एक मिनट रहिए। आए माल कहाँ से आया उनके पास चुनाव लड़ने के लिए, माल कहाँ से आया? उसके बाद में अभी तो चुनाव न हो रहा है, ये तो माने केंद्र का चुनाव हो रहा है। राज्य के चुनाव में यही लोग बातवा पूछेगा कि केजरीवाल जी आप जवाब दो कि दिल्ली में क्या करके दिखाए हो, क्या विकास किए हो। दे पाएंगे अब तो वही तो देंगे ना जवाब, देंगे जवाब ना वो सब लोग पूछेगा। चर्चा जो ऐसे लगातार चलती रहेगी, लगातार 2024 नजदीक है, तमाम मुद्दे हैं, जनता क्या सोच रही वो आपके समक्ष है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर, कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।